हेलो फ्रेंड, क्या आपका भी वीवो का फोन लॉक हो गया है जिस कारण से आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो और आप अपने फोन को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, ना किसी को कॉल कर पा रहे हो, ना कोई एप्लीकेशन ओपन कर पा रहे हो। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे अपने वीवो में लगे हुए लॉक को अनलॉक कर सकते हो। तो कैसे? इस वीडियो के हेल्प से। अगर ये वीडियो को आप फॉलो करोगे, लास्ट तक वॉच करोगे, लास्ट तक देखोगे, तो आप घर बैठे अपने वीवो में लगे हुए पिन पैटर्न पासवर्ड को भी अनलॉक कर सकते हो बिना डाटा को डिलीट किए। जी हाँ फ्रेंड, आपका ना यहाँ पे पैसा वेस्ट होने वाला है, ना यहाँ पे कंप्यूटर की मदद लेनी है, ना यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है। आपको बस ये वीडियो को फॉलो करना है और इस वीडियो में जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ अपने फोन में कीजिएगा, तो आप घर बैठे अपने फोन में लगे हुए लॉक को अनलॉक कर सकते हो वीवो, चाहे वो कोई भी मॉडल क्यों ना हो। आप वीवो का कोई भी मॉडल यूज करते हो, चाहे 3G फोन हो, 4G हो, 5G हो, या बहुत महंगा हो या सस्ता हो, या ओल्ड हो या न्यू हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपका वीवो का फोन लॉक हो जाता है तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हो। बस इसी प्रॉब्लम के लिए मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो को देख के आपका थोड़ा सा हेल्प भी हो जाएगा। चलिए मैं वीडियो को पहले फटाफट स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस वीडियो में हम आपको बता सके आपके लिए मैं हेल्प कर रहा हूँ। प्लीज़ हमारे लिए भी आप हेल्प कर सकते हो, एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड, पहले क्या करना है, ये एयरप्लेन मोड का ऑप्शन देख रहे हो, पहला वर्क जो है हमें ये ऑन करना है, ठीक है ना। ये ऑन रहेगा तो इसके बाद आप लॉक स्क्रीन पेज पे आओगे। लॉक स्क्रीन पेज पे आने के बाद इमरजेंसी कॉल को ओपन कीजिए। ओपन करते ही यहाँ पे एक कोड डायल करना होगा जो कि सर्विस सेंटर का है, ठीक है ना। ये कोड आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये कोड पहले आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये सर्विस सेंटर वाले ही देते हैं, क्योंकि हर सीजन चेंज होते रहता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूं, ठीक है ना। तो ये कोड को पहले डायल करने के बाद इस कोड को एक्टिवेट करना है। कॉल वाला ऑप्शन देख रहे हो, कॉल जैसे ही कीजिएगा आपके स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आएगा जो कि सर्विस सेंटर से भेजा गया है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे परमिशन में ओके करना है या नहीं करना मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे ओके नहीं रहेगा, इस कोड को इरेज कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जस्ट इस कोड को इरेज कर दीजिएगा, ये कोड एक्टिवेट हो जाएगा भाई तुरंत, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे मास्टर अनलॉकिंग कोड यूज करना, *8899 और ये है। ये कोड को डायल करते ही आपके सामने एक मैनुअल टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन पे जाएंगे जो कि अदर्स नाम का पेज मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद की स्टेटस को ओपन करेंगे। आपके फोन में जो भी लॉक होगा, पिन पैटर्न पासवर्ड फिंगरप्रिंट फेस लॉक ऐप लॉक जीमेल लॉक जो भी है यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे भाई लॉक का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टेटस है कि जो भी लॉक लगा हुआ की पास हो चुका है या नॉट सपोर्टेड है, जिसमें आपने लॉक नहीं लगाया। कोई भी ऐप में ऐसा होता है कि हमने लॉक नहीं लगाते हैं। या फिर नॉट सपोर्टेड, पास नॉट सपोर्टेड, नॉट सपोर्टेड, नॉट सपोर्टेड, बस इसे पास होने के बाद आपको होम बटन क्लिक कर देना है और इस कोड को इस फोन को अनलॉक कर लेना बहुत इजी से। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।